नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारवाड़ी कॉलेज के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन फोर्थ सेरेमनी यहाँ पे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद है, हम उनसे जानेंगे आज आपको गोल्ड मेडल लिस्ट मिला है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है, कितना मेहनत अच्छा फील हो रहा है। आई फील सो प्राउडेड टुडे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत के बाद ये मिला है मुझे, MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए मिला है 14-16 सेशन के लिए। एंड दिस क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स बिकॉज आई वर्क सो हार्ड। एंड फ्यूचर में मैं एज अ प्रोफेसर वर्क करना चाहती हूँ। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर एंड आई एम वर्किंग हार्ड एंड वॉन्ट टू परस्यू PhD ना। कितना मेहनत आपका साथ रहा था यहाँ तक पहुँचते हुए? बहुत मेहनत किया कंटिन्यू, मैं बोल सकती हूँ हर दिन 4-5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई की मैंने, उसके बाद ये सफलता हासिल हुई है, मुझे 80% मिला है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शफीनाज बानो है, मैं रहती हूँ यहाँ रांची की हूँ और करेंटली मैं बैंगलोर में रहती हूँ। मैं क्योंकि मेरी शादी वहीं हुई है तो मैं वहीं रहती हूँ। एज अ टीचर मैं पढ़ा रही हूँ करेंटली, उसके बाद BEd किया। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है आपकी ये लक्ष्य जो है हासिल हुआ है, माता पिता का कितना सपोर्ट रहा था, आगे की रणनीति क्या है आपकी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं गोल्ड मेडल, लेकिन मैंने ट्राई किया था, अपनी तरफ से बेस्ट दिया था। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने हमेशा बोला कि बेटा तुमको जो करना है करो। मैंने कॉमर्स अपनी मर्जी से ही चुना था, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, मैंने अपना 100% दिया। आगे की रणनीति क्या होगी, आगे के बारे क्या कुछ सोचे हैं? मैंने तो अब टीचर बनने के बारे में सोचा है और अभी मैं प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, झारखंड PGT का जो आया है फॉर्म उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आगे मैंने सोचा है कि मैं एज ए अपने प्रोफेसर जैसा और बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में मैं भी पढ़ाऊंगी अपने प्रोफेसर जैसे। जी, कहीं ना कहीं प्रोफेसर बनने का सोच रही है, आप क्या कुछ सोच रहे हैं? मेरा नाम स्नेहा है और मैं यहाँ से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की थी और उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। उसके बाद मैंने LLB किया BHU से और अभी करेंटली मैं यहाँ झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज ए एडवोकेट और आगे जुडिशियरी के प्रिपरेशन भी कर रही हूँ ताकि आगे जज बनने का। आने वाले स्टूडेंट्स के बारे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को आगे के लिए? मैं बच्चों को अपने जूनियर्स को संदेश ये देना चाहूँगी कि कंटिन्यूस वो कभी भी रुके ना, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें हर दिन, चाहे वो 2 घंटे ही क्यों ना पढ़ाई करें, पर वो कंटिन्यूटी होना चाहिए क्योंकि कुछ दिनों का कंटिन्यूटी जो होता है वो पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम में पाया जाता है लेकिन खोने में बहुत कम टाइम लगता है जब आप खो देती हैं, वो कंटिन्यूटी को खो देती हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम स्नेहा है और अभी मैं यहाँ से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ग्रेजुएशन की थी। पहले तो उन बच्चों को मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद है जो बच्चे आज गोल्ड मेडल लिए हैं। ये आज का दीक्षांत समारोह है, शिक्षा के बाद जो दूसरा बात होता है वो होता है दीक्षा। पहले के ज़माने में जब गुरु लोग अपने यहाँ से शिक्षा समाप्त करने के बाद अपने शिष्यों को दीक्षा देकर आगे भेजते थे, उसी तरह हम लोग भी आज यहाँ दीक्षा देकर अपने बच्चों को सुंदर भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वचन के साथ उन्हें अब अपने जीवन को नई पद्धति पे शुरू करने के लिए ये दीक्षा दी गई है। और ये बच्चे हमारे राष्ट्र के और देश के कर्णधार हैं, इन्हीं के हाथ में हमारा देश जा रहा है, इसलिए बहुत सारी हमारी जिम्मेवारियां इनके प्रति है, इन्हें तैयार करने के प्रति है और इन्हें जो कमी है इन्हें अपने आप को तैयार करना है क्योंकि आने वाले 5-7 साल के बाद ये देश उनके हाथ में होगा, ये VC ये DC सब ये बच्चे हमारे होंगे। तो आज हमें उन्हें तैयार करना है कि कल वो इन चीज़ों को अच्छे से चलाएं, राष्ट्र को संभालें, राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ें। धन्यवाद। आज हमारे पास में 70 बच्चों को लगभग गोल्ड मेडल मिला है और बच्चों को ये मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और उनके लिए आशीर्वाद। उनको हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि गोल्ड मेडल प्राप्त करना जीवन का एक पड़ाव है और अब आप एक अच्छा नागरिक बने, समाज में और देश में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जो शिक्षा आपने प्राप्त की है मारवाड़ी महाविद्यालय से उसको आप जीवन में उतारें, ये आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हमारे साथ और भी एक विद्यार्थी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे, कहीं ना कहीं लड़कों पे बहुत सारा बोझ होता है, घर भी देखना, बाहर भी देखना और कहीं ना कहीं पढ़ाई भी आपने की, कितना मुश्किल रहा था ये? सही कह रही मैम कि ये होता क्या है ना कि लड़कों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जैसे जैसे उनकी उम्रें बढ़ती जाती है जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती है, तो इसमें मेरा घर परिवार का भी रोल रहा है कि आप पढ़िए
है ना, घर की जिम्मेदारी उतना मुझ पर नहीं डाला गया, इसी का कि मतलब बड़ा देन कहेंगे कि आज हमें गोल्ड मेडल मिला है। और मैं लोहरदगा का ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अशफाक अहमद है और अभी मैं गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है जी, रात जाग के पढ़ना, फिर पापा मम्मी का सपोर्ट। किस चीज़ में आपको ये हासिल हुआ है? मेरा बंगाली ऑनर्स था जी, 14-17 सेशन में उसमें हमको गोल्ड मेडल मिला। आगे की रणनीति क्या है? हम अभी डबल एम ए कर चुके हैं, बीएड भी हो चुकी है जी, अभी कॉलेज प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। आने वाले जूनियर को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मेहनत कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा, हम लोग का जैसा सबको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, अच्छा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए बस। टीचर्स का कितना सहयोग रहा है? टीचर लोगों का बहुत सहयोग है और मेरा जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर वैद्यनाथ सर, उनका बहुत सहयोग है जी। और ऑल फ्रेंड सबका बहुत अच्छा योगदान है। तो जैसा कि आपने सुना कि मारवाड़ी कॉलेज में फोर्थ ग्रेजुएशन सेरेमनी किस तरह से मनाया गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और उनका यह भी कहना है आने वाले स्टूडेंट को लेकर के कि वो अपनी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, और इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर इसी तरह से मन लगा कर पढ़ेंगे तो एक बार वो लोग भी गोल्ड मेडलिस्ट के हकदार बनेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।